आज की वीडियो में बात करेंगे रियलमी के न्यू मोबाइल के बारे में। इस मोबाइल का नाम है GT Neo 4। अभी यहाँ पर सरप्राइजिंगली ये यहाँ पर मिड रेंज चिपसेट के साथ नहीं आ रहा, ना ये मिड रेंज मोबाइल होगा। अभी ये कहा जा रहा है कि फ्लैगशिप मोबाइल होगा। कैसे फ्लैगशिप मोबाइल होगा? क्योंकि इसके अंदर अभी कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर आ रहा है। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा इसके रिगार्डिंग, और इसकी लॉन्च डेट प्राइस पर भी नज़र रखेंगे कि क्या आने वाली पाकिस्तान इंडिया के अंदर। तो मैं सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वॉच कर लेनी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल की, कुछ डिज़ाइन के हवाले से देखें। डिज़ाइन फिलहाल कुछ कन्फर्म नहीं है, बट यहाँ पर डिजिटल चैट स्टेशन से ये खबर आई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक न्यू मोबाइल आ रहा है रियलमी की तरफ से, जिसको कहा जा रहा है GT Neo 4। ये नेक्स्ट मंथ अनाउंस किया जाएगा इन चाइना। और सप्लाई यहाँ पर बहुत बड़ी सरप्राइज खबर ये है कि डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर नहीं आ रहा इसके अंदर। इसमें आएगा स्नैपड्रैगन का सबसे फास्टेस्ट और सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर 8+ Gen 1। अच्छा, 8+ Gen 1 प्रोसेसर आ जाएगा तो मोबाइल तो हो जाएगा फ्लैगशिप। तो जाहिर बात है इसकी फिर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले प्राइस पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, प्राइस क्या होगी, उसके बाद मैं लॉन्च डेट की तरफ आऊँगा। कब कितनी लॉन्च डेट, कब तक ये आ जाएगा इंटरनेशनली, फिर पाकिस्तान में, फिर इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताता चलूँ आपको इसकी प्राइसिंग। देखिए, प्राइसिंग फिलहाल कुछ कन्फर्म नहीं, बट यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट $800 तो उसकी प्राइस होगी। और उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया तो 1,92,000 रुपीज़ प्राइस आई। इंडिया में आई कुछ 64-65,000 रुपीज़ प्राइस इसकी। अभी हम वापस चलते हैं इसकी चंद लॉन्च डेट के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पर बिलफर्ज के यहाँ पर नेक्स्ट मंथ लॉन्च कर देता है चाइना में रियलमी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर में ही आएगा, या फिर एंड ऑफ दिस ईयर में आएगा, दिसंबर के एंड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये इंटरनेशनली आ जाएगा, और साथ में पाकिस्तान में भी आ जाएगा 1 or 2 week लेटर, और बाद में इंडिया में भी आ जाएगा, वी होप सो। अभी यहाँ पर बात करते हैं कुछ मजीद इसके बारे में, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है इसकी। देखिए, उससे पहले मैं बताता चलूँ आपको इसके मुतल्लिक, जैसे ही कोई रिपोर्ट्स आती रहेंगी मैं वीडियो डालता रहूँगा, तो आपने चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लेना मजीद अपडेट्स के लिए। अभी हम चलते हैं चंद इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर। देखिए, यहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा है, यहाँ पर ये डिस्प्ले आ रहा है इसमें 1.5K का, मीन्स के यहाँ पर 1220p का पैनल होगा, ठीक है, जो कि फुल HD और QHD के दरमियान की कोई चीज़ होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ मज़ीद इसके बारे में। 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, और इसमें यहाँ पर 2160 स्टेप की में यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस मिलेगी। अभी यहाँ पर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसमें नहीं हम पढ़ते हैं, वापस चलते हैं इसकी कुछ चार्जिंग की तरफ। रियलमी GT Neo 4 मिल जाएगी हमें, ये ऑफर करेगा हमें 100 वॉट फ्लैश चार्जिंग। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं, नियो 3 में दो वर्जन आए थे, 80 और 150 वोल्ट वाले, ठीक है ना। और अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है, लीक्सटर का क्लेम करना है कि ये कंप्लीट करेगा रेडमी K60 के साथ, जो कि अभी भी अनअनाउंस है। अच्छा, रेडमी K60 में मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी मालूम आ रही थी मैंने बता दी आपको। अभी यहाँ पर मैं एंड में एक और बात इंक्लूड करना चाहता हूँ। देखें, यहाँ पर ये भी हो सकता है, जैसे कि वन प्लस एक ज़माने में आता था, फ्लैगशिप प्रोसेसर आता था कुछ $500 के करीब करीब, 500, 550, $600 के करीब। हो सकता है इस दफ़ा ये रियलमी वाले भी यही सोच रहे हों, यहाँ पर इसको 500, या नहीं 500 तो नहीं खरा, यहाँ पर $600 की रेंज में इसको लॉन्च करें इंटरनेशनली, लेट्स सी। या फिर ये भी हो सकता है ये स्पेशली चाइना के लिए आया हो ये मॉडल, फिर बाद में इंटरनेशनली इसको दूसरा नाम देने के बाद लॉन्च कर दिया जाए, जैसा कि ज़्यादातर मोबाइल्स के साथ किया जाता है। अभी यहाँ पर इस वीडियो को रैपअप करते हैं, आई होप सो वीडियो समझ आ गई होगी। जिन लोगों को वीडियो के मुतल्लिक कोई सवाल रह गया और जहन में, तो मुझे कमेंट्स करें, पूछ लें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एंड स्क्रीन में मेरा चैनल भी आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएंगी। आप चाहें तो हमारा चैनल आज भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद अपडेट रहने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।